नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 32 है और ये 22 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसमें पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सबसे पहली बात तो हमें ये समझने के लिए जो है ना, हमें प्रीवियस नॉलेज को हमें याद करना होगा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल हम सबसे पहले ड्रॉ किए और ये ड्रॉ किया, और ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना, क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो आपको इसे क्या करना है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से इसे क्या करना है, समझ लेना है, ठीक है। राइट यानी राइट एंगल ट्रायंगल मींस क्या होता है, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड, यानी हाइपोटेनियस जो है ना, इन दोनों को इक्वल होगा, ठीक है। ये आपको समझना है। अब इसमें जो कुछ बेहद ही आसान से प्रश्न है, ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ, इसे आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व है, इसे भी आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है ये देखिए, नाउ ट्राई, यू ट्राई, आपको कोशिश करना है, बनाना है। तो चार क्वेश्चन है, चलिए एक एक करके बनाते हैं। इन ट्रेंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल इफ़ ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो लेंथ हमें बी सी निकालना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखना है जो ये देखिए, ये हमारा दे रखा है या बेस दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें ये एच फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एच फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेंगल ए बी सी डी में राइट एंगल ट्रेंगल, तो बाई द पाइथागोरस थ्योरम से बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 24 का 576 होता है, 10 का 100 होता है, तो 676 हो जाएगा। इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा, ठीक है। तो 676, तो ये 26 का हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इन फिगर 4, यानी इसमें वैल्यू हमें एक्स का फाइंड करना है, यानी ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिगर 4 में। ये देखिए यहाँ पे हमें ये एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा ये बेस दे रखा है परपेंडिकुलर, ये हाइट दे रखा है 17 और बेस हमारा दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द फिगर, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे लिखेंगे पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो 289 हो जाता है। 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 289 में से माइनस चला जाएगा 225, तो 64 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये स्क्वायर इक्वल टू, यानी इसको भी आप 8 के स्क्वायर कर सकते, तो इस स्क्वायर से ये कट गया, तो 8 का वैल्यू यानी एक्स का वैल्यू हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हम एक्स का निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रेंगल है एट क्यू, इफ़ द पी क्यू 35 सेंटीमीटर, पी आर 37 सेंटीमीटर, तो फाइंड हमें क्या करना है, क्यू आर निकालना है, राइट। तो चलिए हम क्यू आर फाइंड करते हैं। तो ये क्यू आर हमारा क्या हो गया, बेस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर करेंगे तो 1369 होता है, पी क्यू का स्क्वायर 35 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमारा 1225 होता है। क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर निकालना, तो ये इसमें से अगर 1369 में से माइनस 1225 कर जाएगा तो 144, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये 12, यानी क्यू आर इस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ट्रेंगल ए बी सी डी इज राइट एंगल ट्रेंगल बी, इफ़ ए बी 8 सेंटीमीटर तो बी सी 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ हमें ए सी निकालना है। तो इस बार हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी हमें एच निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या, 8 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर, तो 64 और 36, तो 100 हो जाएगा, स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ए सी 10 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, ए सी 10 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।